Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकिंग रसोई। आज हम बूंदी बनाएंगे, उसके लिए हमें एक फ्राई पैन रखा है, उसमें एक कटोरी चीनी डालेंगे। पहले हम चाशनी बनाएंगे और उसी कटोरी को नाप के 75% इसमें पानी मिला देंगे, उसको हिलाएंगे अच्छे से। हमें एक तार वाली चाशनी भी बनानी, तो थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी चाहिए। देखिए चाशनी में बॉईल आ गया है, पर अभी भी लिक्विड है, थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे इसको। लाते रहिए नहीं तो चिपक जाएगी। ऐसे एक मिनट में थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, हमारी चाशनी बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें थोड़ा सा रंग डालने के लिए इसमें आप या तो फूड कलर डाल सकते हैं, फूड कलर यूज करते नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा केसर डालेंगे। और साथ में छोटी इलायची पिसी हुई, अच्छा टेस्ट आएगा, स्मेल भी अच्छी आएगी। उसे अच्छे से मिक्स कर लें। चाशनी अब हमारी रेडी है। अब हम बैटर बनाएंगे बूंदी के लिए। सेम इसी कटोरी से नाप के मैंने इसमें बेसन डाला है, एक कटोरी पूरा बेसन है। इसमें पानी डालेंगे धीरे धीरे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, और इसको हिलाएंगे अच्छे से, मिक्स करेंगे जैसे लम्स ना पड़े। बैटर हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, पर अभी भी बहुत गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। और मिक्स करें। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे बैचलर्स भी बना सकते हैं। घर में कोई मीठा ना हो तो उसको मीठे के लिए बिल्कुल रेडी कर सकते हैं, बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। ये हमारी बिल्कुल रेडी है, उसको साइड में करके तेल गरम करेंगे। ये मैंने सरसों का तेल ले लिया है, इसे अब गरम होने देंगे। गरम होने थोड़ा सा समय लगेगा। जब तक तेल गरम हो रहा है तो इस बैटर के अंदर हम 1/4 स्पून खाने वाला सोडा डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है बूंदी बनने के लिए। तेल भी हमारा गरम हो चुका है, बस अब उसको सिम करेंगे, उसमें थोड़ा सा डाल के देखेंगे। बूंदी बिल्कुल अब सही बन के ऊपर आ रही है। हम सभी लोगों के घर में कद्दू का जरूर होता है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। गैस हमारी सिम पे है, कद्दू का ऊपर लीजिए और बैटर धीरे धीरे डालना शुरू कर दीजिए। ना बनने दीजिए वो जल्दी में। उसको हटा दीजिए। ये हमारी ऑलमोस्ट डन है, अब इनको हम निकाल लेंगे। तो सेकेंड बैच बनाएंगे।
सेकंड बैच भी हमारा रेडी है। तो थोड़ा सा टर्न कर लेंगे, गैस स्लो टू मीडियम रखेंगे। जैसी हो जाएगी इनको निकाल लेंगे। बूंदी बनके बिल्कुल हमारी रेडी है, हम चाशनी में मिलाएंगे। चाशनी में इसको एक या दो मिनट के और रखेंगे जैसे पूरी चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले, और हमारी बूंदी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसमें हमने बिल्कुल भी सारे नेचुरल कलर यूज किए हैं। आर्टिफिशियल कलर जो रसोई हलवाई लोग यूज करते हैं उसको हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, उसकी जगह हमने केसर का इस्तेमाल किया है। केसर ना हो तो फिर आप कलर यूज कर सकते हैं फूड कलर। ये देखिए बिल्कुल हमारी रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।